मुख करता रहता डॉक्टर कृपाल सिंह बेरी जी, तरुण राज जी, दिनेश जी और ये हमारे और झांसी के सभी सम्मानित आगंतुकगण, कला प्रेमी, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि झांसी में 25 वर्षों के बाद से ज्यादा समय के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, संभागीय नाट्य समारोह कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि दो लोगों का बहुत मुख्य रोल इसमें है, एक आनंद चौबे साहब बैठे हुए हैं उनका और डॉक्टर कृपाल सिंह बेदी का। और शुरुआत जो है आनंद चौबे साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बुंदेली नाट्य अकेडमी जो है यहाँ पर जो नाट्य चलते हैं जो है उसका जो है कुछ कार्यक्रम कराया जाए। तो मैंने छोटा सा कार्यक्रम केवल जो है देखने के लिए कि वास्तव में लोग क्या करते हैं यहाँ पर एरस है एक स्थान जो है वहां करवाया था। और वास्तव में इनकी प्रस्तुति गंगा रिजा गंगा समिति की तरफ से इन लोगों की प्रस्तुति इतनी अच्छी थी कि हमने कहा हमारे जहां भी कार्यक्रम होंगे हम केवल और केवल कृपांशु द्विवेदी की टीम को ही बुलाएंगे। और इसमें जो है आनंद चौबे साहब ने जो है जो संयोजक है जो है इसके जो है उन्होंने काफी इसका वो भी किया कि जो बुंदेलखंड की संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इन लोगों ने बहुत सा कार्यक्रम वहाँ किया। इसके बाद एक और कार्यक्रम किया था हमारे वन विभाग की तरफ से इन लोगों ने, कहाँ पर था साहित्य अकेडमी जहाँ पर वहाँ किया था, वहाँ भी काफ़ी अधिकारी आए थे, काफ़ी लोग आए थे और बहुत उसकी प्रशंसा हुई। तब से मैं इनका मुरीद हो गया हूँ, जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं तो मैं वहाँ जरूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। देखिए साहित्य समाज का दर्पण होता है और ये जो विधा है नाट्य वो भी एक प्रकार से समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उसका साक्षात रूप से हमको दिखाने और बताने का प्रयास करते हैं। तो ये जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, पवित्र धरती है, उनके कार्य निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय और उनका जितना भी ये धरती केवल बुंदेलखंड नहीं पूरा भारत कर्जदार है उनके दिए गए योगदान का। लेकिन अगर ये कविता न होती बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने उसकी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली जानी थी, तो शायद ये उनकी गाथाओं को उनके जो क्रियाकलापों को और अधिक जो है प्रसारित प्रचारित करता है और लोगों के मुंह में छोटे बच्चे हम लोग बचपन से जब बुंदेलखंड नहीं थे, हम लोग ईस्टर्न यूपी रहने वाले हैं, लेकिन ये कहानी ये घटना इस कविता के द्वारा हम लोगों को पूरी तरह से याद थी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली जानी थी। कार्य तात्पर्य है कि जो साहित्य होता है अगर वो मजबूत होता है तो वहाँ के लोगों का जो है घटनाओं का बहुत अच्छे से जो है वर्णन सामान्य से सामान्य लोग मिल पाता है। बुंदेली संस्कृति सभ्यता और यहाँ की जो खान पान बहुत ही रिच है और काफ़ी जो है हम यहाँ देख रहे हैं जो है समस्याओं के बीच में भी लोग जुझारू रहे हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, चाहे जो है कला की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, सब में इनका विशेष योगदान है। और उस
उनके तथ्यों को, उनके विचारों को, उन भावनाओं को आज इस कला के माध्यम से हम यहाँ देख रहे हैं। और ये जो साहित्य नाटक अकादमी कर रही कार्यक्रम जो है ये बहुत अच्छा है। मैं अपनी जो है तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका कार्यक्रम सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री आनंद चौबे जी को प्लीज वेलकम सर। आप दो शब्द कहें इस नाट्य समारोह के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार हम सबके आयोजकों को आमंत्रित करने के लिए मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा। गौतम साहब बैठे हुए हैं, मैडम पाठक हैं। मैं किसी बिना किसी औपचारिकता के सिर्फ एक बात कहूँगा कि कलाएँ सचमुच हमें जीवंत रखती हैं। और जहाँ तक नाट्य कला का प्रश्न है, नाट्य कला एक ऐसी समृद्ध कला है कि हम देखें तो जीवन में हम रोज एक ना एक नाटक करते हैं। कभी बच्चे को खिलाने के लिए हम बिल्ली बन जाते हैं, कभी शेर बनते हैं, कभी घोड़ा बन के करते हैं। तो बचपन से ही हमने अपने माता पिता को नाटक करते हुए देखा है। जीवन की एक इतनी सशक्त और समृद्ध कला है ये। धीरे 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 राष्ट्रवादी जी बैठे हुए हैं, धीरे धीरे ये कलाएं जिस तरह से इनका विकास हुआ है, उन्होंने उन कलाओं ने एक अपना एक बहुत अच्छा स्थान बना लिया है। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये हॉल यदि हम कोई और रोचक कार्यक्रम आयोजित कर रहे होते, जो गुदगुदाने वाला होता, मनोरंजक या मनोरंजक ना कहें, जो आधुनिकता में जो पसंद किया जा रहा है वो होता, तो शायद हॉल में जगह नहीं होती। तो ये जो सबसे बड़ी इस युग की सबसे बड़ी समस्या या संकट कहें, या जो समाज जो हम कहते हैं ना सोशल मीडिया का युग आ गया है, युग आ गया है, सबसे बड़ा जो दायित्व है हम सबका, जिसमें मैं अपने आप का अपना दायित्व ये मानता हूँ, हम जिन किसी भी पदों पर बैठे हुए हैं, हम सबका ये दायित्व है या हर किसी नागरिक का, वर्तमान पीढ़ी पिछली पीढ़ी के किए कराए पर यदि पानी फेरने से बचा ले, पिछली उपलब्धियों को बचा ले, परंपरागत चीजों को जिंदा रख ले, तो शायद वो बहुत बड़ा अपना पिछले मतलब अपने बुजुर्गों की के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं बहुत साहित्यिक शब्दों में ये बात नहीं रखना चाहता या है नहीं मेरे पास वो शब्द, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सबको कलाओं के संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। आज ये आयोजन हो रहा है, मैं सबसे पहले तो तीनों संस्थाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने झांसी को चुना। और आगे इन कलाओं के लिए छोटे छोटे कार्यशालाएं मैं कृपांशु जी के यहाँ जाता रहता हूँ, आयोजित होती रहे। और एक अभी मैंने पिछले दिनों जिलाधिकारी महोदय से इस बारे में बात की थी, उन्होंने कहा है कि हम स्कूल स्तर पर ऐसे छोटे छोटे से, अभी हम बहुत सारी क्रीड़ा प्रतियोगिताएं खेल के आयोजन करते हैं, लेकिन इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन में अभी नाटक जैसे नाटक विधा को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है स्कूल स्तर पर, कि स्कूल का प्रोग्राम हो, फिर संभाग ब्लॉक स्तर का हो, जिले स्तर का हो, इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो उन्होंने इस तरह की एक योजना हम लोगों को बताई है कि हम इस तरह का प्लान कर रहे हैं जो इस कला को संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। सभी आगंतुकों को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। पहुंचे शहर की एक कॉलोनी में, मिल जहाँ रात में पहरा, दिन में सेवा, बोलो पंडित सीधे साधे कुछ किस्मत कुछ गोला पान गोलो हरदम सुनते और भी फस गए घुमनी बताओ की हुई बात पंडित सीधे साधे गाँव छोड़कर शहर में आए भोलो पंडित सीधे साधे गाँव छोड़कर शहर में आए रोजी रोटी के चक्कर में कहाँ कहाँ नाटक करवाए काला झबरा कुत्ता
बात कुछ समझ में ना आई। अरे आएगी भी कैसे, पहले पूरी बात तो सुनिए। हमारे गांव में एक काला झबरा कुत्ता है, उसका नाम घोलू है। जब कोई घोलू बुलाता है तो हाँ अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, रात बहुत हो गई है, अब तुम हमें सोने दो, ठीक है घोलू भैया? ठीक है राम जी की। जाइए जाइए, अजीब बात है, आवाज लगाओ तो शिकायत, ना लगाओ तो शिकायत, रात में सो जाते हो क्या? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। लगता है टीटी बाबू आज फिर। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अब यहाँ का माहौल गर्माएगा,
चाय लाकर रख देंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी, और जब यहाँ का माहौल ठंडा होगा तब सबको चाय ला कर देंगे तो गर्मा गर्म मिलेगी ना। वाह घोलू क्या बात है, पंडित कहिए ना। ठीक है भाई घोलू, पंडित जी सीधा किचन में जाइए और जल्दी चाय नाश्ता लाइए। ठीक है चले अंदर। तो पर एक बात और है, जाते जाते मैं मैडम नारायण से पूछना चाह रहा हूँ, मैं अगर प्याज की पकौड़ी ना बनाए तो? प्याज की पकौड़ी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम? वो क्या बात है ना मैडम, प्याज इतना रुलाव होता है उसको काटने से आंसू आ जाते हैं। आपका घोलू कितना पकाओ इंसान है, भेजा चार जाता है। घोलू पंडित कहिए ना। हाँ तो भाई घोलू पंडित जी जाइए आप, और जब मैं बुलाऊं तब आइएगा। ठीक है मैम तब जा रहे हैं। नहीं तो क्या क्या बात है त्रिलोकी मैडम, आप कुछ टेंस दिख रही हैं। अरे कौन सा टेंस, हम तो पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देख रहे हैं। घोलू पंडित कहिए ना। हाँ घोलू पंडित, तुमने क्रम से नहीं बताया, पहले पास्ट होता है फिर प्रेजेंट होता है और सबसे आखिर में आता है फ्यूचर टेंस। फरजाना मैम अब इससे बहस मत करिए, तू अंदर जा जा। ठीक है जा रहे हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं पर कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी खेल लें, कि सही उत्तर बताएं और अभी आपको सही उत्तर मिल जाएगा। चले भैया। क्या बात है आज? मैम अब क्या हुआ? वही पूछना था कि प्याज की पकौड़ी ना बनाए तो? तो कौन सिखाएंगी? प्याज बहुत रुलाव होता है ना, आंसू आ जाते हैं, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे? बताया तो रुलाव होता है, आंसू आ जाते, काट के देखो पता चले। मैं तो तुम्हें किस लिए रखा है, खुद काटने के लिए। ठीक है जा रहे बना ही देंगे। आज कल इस गोलू के बच्चे ने तो चौपट कर दिया। छोड़ो उस गोलू पंडित को, चलो ताश लाते हैं। मैडम त्रिलोकी और मैडम नारायण पार्टनर, मैं और फरजाना मैम। क्या क्या क्या, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, ऐसी वाहियात पार्टनर कौन रखेगा अपने साथ। किसी क्या बात हो गई, इसमें क्या नाराजगी है? देखिए फरजाना मैम आप बीच में मत बोलिए। फरजाना मैम आप थोड़ा रुक भी जाया करिए ना। मैडम त्रिलोकी क्या समस्या है आपकी बताइए आप। हाँ क्या बताऊँ, पिछले लगभग एक महीने से टीटी बाबू इनके पति शराब के नशे में मेरे घर आते हैं और घंटी बजाते हैं। देखिए ये आप सरासर झूठा आरोप लगा रही हैं, कभी वो आपके घर घुसे रोज अपने ही घर घुसते हैं। अरे कैसे घुसे, मैं गेट खोलूंगी तब ना, घंटी बजा बजा के थक जाते हार रहा हूं, पता नहीं क्या असली हरकतें करते हैं। या अल्लाह ये तो सरासर बदतमीजी है। आपको मिस्टर नारायण की हरकतें पता नहीं है क्या? पता है, कितनी बार मैंने उन्हें डांटा, कहते हैं सारी कॉलोनी के गेट एक जैसे, सबके मकान एक जैसे, पता ही नहीं चलता सबके गेट के कलर एक जैसे, इसका मतलब कल को हमारे घर की भी घंटी बजाएंगे। अरे रहने दो, मैंने तो इनके कहने से घर का दरवाजा भी रंगवा दिया, शायद कोई फर्क पड़े। पर नहीं पड़ा, मुझे याद है ये बात उस दिन गोलू बता रहा था। देखा ये था पास्ट टेंस, अब आप देखिए प्रेजेंट टेंस। अगर त्रिवेदी घर पे नहीं थे वरना वो तो गोली ही मार देते। मैडम फरजाना आपकी आदत गई नहीं पीछे बोलने की, मुझे तो बोलने दीजिए। रुक जाइए ना फरजाना मैम, बोलिया अगर टीटी बाबू को मैडम सुधारना चाहे तो दो मिनट का काम है। लेकिन लेकिन क्या नहीं चाहती क्या, यही लोग बताइए, अगर आप लोगों के पति ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगी? मैं तो मायके जाके बैठ जाऊंगी। मैं तो 1090 पर फोन कर देती, पुलिस वाले पकड़ ले जाते, दो डंडे में आकर ठिकाने आ जाती, मैं तो सीधी गोली मार देती, ऐसे पति का क्या, और खुद विधवा हो जाती। बहुत खूब, कहना बहुत आसान है, मायके जाने से आजादी मिल जाएगी, और 1090 पे फोन करो तो सारे रिश्तेदारों और कॉलोनी में बदनामी। तो फिर ऐसे आदमी को सुधार नहीं सकती हो, तो उसकी ट्रेन में नाइट ड्यूटी लगवा दो। अब आप देखिए फ्यूचर टेंस, जैसे खुद पेजर साहब के बिना रहती हो। नाइट ड्यूटी, या अल्लाह रात में टीटी पैसेंजर के साथ कैसी कैसी हरकतें करता है, मैं तो रोज अखबार में पढ़ती हूँ। रात चलती ट्रेन में टीटी पैसेंजर के साथ और तथा चलती बस में कंडक्टर, या अल्लाह तौबा तौबा। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसा कैसे चलेगा? आप ही इसका कोई हल निकालिए। मैं क्या हल निकालूं, कह दूं टीटी बाबू से कि मैडम त्रिलोकी के घर की घंटी बजाने की बजाय मेरे घर की घंटी बजाएं। अच्छा अगर आप लोग ने हल नहीं सोचा, मैंने तो हल सोच लिया। मैं 3 दिन का समय मैडम नारायण को देती हूँ, तीसरे दिन में गेट में करंट लगा दूंगी, ना रहेगा पास और ना बजेगी घंटी। मैडम त्रिलोकी या मेजर साहब को जेल जाना पड़ेगा। तेरी ये हिम्मत, मुझे जेल भेजेगी, अपने आप को तो काबू करके पास और मुझे जेल भेजेगी। शांत हो जाओ, इनको कराइए ना सर, शांत हो जाओ। बोलो चाय बनी नहीं क्या अभी तक? आया मैम साहब, मैम साहब चाय नाश्ता अंदर तैयार है, आप चलो अंदर चल के चाय नाश्ता करिए। चलिए अंदर, आपकी बातों पे रखा क्या, चलिए।
था फ्यूचर टेंस, पर मुझे ऐसे फ्यूचर टेंस से डर लग रहा है जब मैडम त्रिलोकी के गेट में करंट दौड़ेगा। जाते रहो हे बजरंग बली, हमारी भी सुन लो, आज उनसे मुलाकात होगी फिर आमने सामने। हाय गोलू, कैसे हो? पंडित कहिए ना। अच्छा अच्छा, गोलू पंडित कैसे हो? ठीक तो हूँ, पर वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। क्या मतलब? एक समझी नहीं। एक कुंवारा ऐसी ठंडी रात में डंडा पकड़े पकड़े अकड़े अकड़े अकेला घूम रहा है, सिर्फ आपके इंतजार में। अच्छा, मेरे इंतजार में क्यों? आप बहुत अच्छी लगती हैं, जी करता है आपसे रात भर बैठकर चैटिंग करता रहूं, दिल के मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल से जी नहीं भरता। अच्छा, तुम बिल्कुल अकेले हो? बिल्कुल अकेला, और कुंवारा भी। और आप? मैं भी बिल्कुल अकेली। और तब तो इतनी रात में आप अकेले ना घूमा करिए। क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है, जब शूटिंग खत्म होती है तब रात में वापस आती हूँ, गाड़ी गेट तक छोड़ जाती है। अच्छा, आप फिल्म में काम करती हैं? हाँ, तुम्हारे शहर में शूटिंग चल रही है, एक दो दिन में काम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी मुंबई। आप इतनी सुंदर हैं, कम से अकेले रात भी रात घूमना ठीक नहीं है, और फिर आप तो देख ही रही हैं शहर की हालत क्या है, कहीं भी कभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर क्या करूं? मेरी मानिए तो आप एक चौकीदार रख लीजिए। चौकीदार? चौकीदार नहीं, उसको बाउंसर, सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड कहते हैं। हाँ हाँ, वही जो आपकी रक्षा कर सके। पर ऐसा भरोसेमंद मिलेगा कहाँ? अरे मुझसे भरोसे वाला कौन मिलेगा? अच्छा? पूरी कॉलोनी को मुझ पर भरोसा है। अच्छा, तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे क्या? और क्या, ये देखिए। अरे वाह मेरे सलमान खान, और मैं यहाँ की नौकरी भी छोड़ दूंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ की नौकरी छोड़ दोगे? और क्या, यहाँ इन चुड़ैलों की नौकरी करना ही कौन चाहता है? क्या यहाँ चुड़ैले हैं क्या? अरे मैडम पांडे, मैडम फरजाना, मैडम त्रिलोकी और मैडम नारायण, एक से बढ़कर एक चुड़ैल, एक के बड़े बड़े दांत, एक के बड़े बड़े नाखून, एक की बड़ी बड़ी आंख, और एक तो जैसे पहाड़। तो तुम मेरे साथ मुंबई चलोगे? अच्छा, मैं आपका बॉडीगार्ड बन जाऊंगा, तो आपके साए की तरह आगे पीछे रहूंगा, जहां आप वहां मैं, दूर होने का हिसाब ही नहीं। अच्छा, तो तुम अपनी मैडमों से बात कर लो, ठीक है? मैं बात करके आपको कल बताऊंगा। ओके, बाय बाय। आए करंट मारे ली, सुना धने दी शाम क्या सागर जैसी आंखों। जय बजरंग बली, तुमने हमारी सुन ली, अब तो आएगा मजा। आ गया है देखो बॉडीगार्ड, लग रहा है टीटी बाबू आ रहे हैं। आवाज आ रही, कहीं त्रिलोकी मैडम ने करंट लगा दिया और पहुंच गए वो तो। आए रे, तब हमें तो पहुंचना चाहिए, आ रहा है टीटी बाबू। हाँ, किसी की जासूसी करता है वो तो गांव से आया है, जो सुनता है वही बताता है। आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड।
कहाँ शूटिंग चल रही है? हम लोगों को क्या मालूम है, मालूम करके करना भी क्या है? आपके मिस्टर की मोटरसाइकिल सुबह ऑफिस जाते समय कहाँ रुकती आपको मालूम? नहीं। फरजाना मैम के भाई का दोस्त लड़की भगा ले गया, रात में पुलिस उठा ले गई, आप लोगों को मालूम? मुझे क्या पता। पाठक जी की बीवी का तलाक हो गया और मुकदमा जीत गई, अब अकेले रहेगी, आप लोगों को मालूम? मुझे क्या मालूम। तो आप लोगों को क्या मालूम, बाबा जी का ढुल्लू। ये आपको बताएगा कौन? हम, यानी गोलू पंडित। गोलू, वो भी तुमने क्या बताया इससे पहले? मिस्टर पांडे जी की गाड़ी। पंडित कही है ना। अरे कह दूंगी, पहले बताओ क्या बोलूं। तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? तुमने कुछ भी बोला तुम्हारी खैर नहीं। अरे तुम नहीं बताते तो तुम्हारी खैर नहीं, यही सब हम तुम्हारी। डरो मत, बताना नहीं। अरे बताओ, बोलो। अरे नहीं, अरे बोलो, बोलो नहीं। अरे बस करिए मैडम पांडे, उसकी बात तो सुन लीजिए। अपनी इज्जत इज्जत, दूसरे की भूस। आप लोगों की भी सुनाएगा ना तो पता चलेगा। हाँ, और जब मेरे पति के चटकारे लेके सुन रही थी तब तो आपका पति शाही हुई उसी लायक। चलो गोलू, तुम बताओ तो, आज तो पूरी बात बिना सुने जाएंगे नहीं। फंस गए गोलू पंडित, अब झेलो अपनी कन्नी। हम तो मजाक कर रहे थे। तुम झूठ बोल रहे थे ना। हाँ। अच्छा अच्छा, तुम सच कह रहे थे ना। हाँ। क्या तुम मजाक कर रहे थे? सच? ये सच्चा झूठ था। ये क्या, ये क्या बोल रहे हो? ये झूठा सच, ये सच्चा झूठ क्या होता है? होता है, जैसे सच्चा झूठ होता है वैसे झूठा सच होता है। और फिर मैंने कब कहा कि मिस्टर पांडे की गाड़ी हीरोइन के घर के आगे रुकती है? क्या? हाय राम, हाय राम। अरे ये झूठा सच है। ये सच्चा झूठ क्या होता है? होता है जैसे झूठा सच होता है वैसे सच्चा झूठ सब तो होता है। सच्चा झूठ, झूठा सच, मजाक, ये क्या बकवास है? वही तो हम कह रहे थे कि ये सब बकवास है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ये सब बकवास है। ये टॉपिक इसी वक्त खत्म कर दो, इसके चक्कर में ना हम लोग लड़ाई करेंगे और ये भाग जाएगा। तू जा यहाँ से। ठीक है, जाते हैं। रुक, अच्छा ये तो बता कि हीरोइन कैसी है तेरी? वाह, क्या बताएं, सर्या की आंखें, करीना का शरीर, प्रियंका के होंठ, अच्छा, और चाल जैसे करीना। अच्छा, और तू क्या लगता है? मुझे उसने सल्लू कहा। सल्लू कहा? बड़ाया बॉडीगार्ड। अच्छा, ज्यादा दिमाग ना खराब हो तेरा, चाय बना कर ला जाया से। हम तो जा ही रहे थे, आप ही लोगों ने बीच में रोक दिया। मैं उसका हीरो और वो मेरी हीरोइन। आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी। अच्छा सुनो, बोलू। बताइए मैडम। अभी थोड़ी देर बाद मेरे घर आना, मेरा रिचार्ज कराना है। ठीक है, आ जाएंगे। आप तब तक पंचायत करिए, मैं अभी आया। हमारी कॉलोनी में हीरोइन और हम लोगों को नहीं पता? अरे पता होता तो भी क्या कर लेते। अरे तू भी क्या होता, शूटिंग तो देख ही आते। फिल्म लाइन साफ सुथरी नहीं होती और हमें ऐसी हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं। हमें तो शौक है हीरो बनने का, और आप लोगों को उससे कह के चांस दिलवा सकते हैं। अरे ऐसे हीरोइनों को हम अच्छे जानते हैं, उनका चाल चरण चरित्र हर रोज बदलता रहता है, वो भरोसे के लायक नहीं होती हैं। सब ठीक है, तुम्हें ले जाएगी, अपने कपड़े धुलवाएगी। अच्छा मंजूर। अरे बर्तन रगड़वाएगी। सब मंजूर। सुबह से शाम तक आगे पीछे नचवाएगी। सुबह से रात तक मंजूर। हाय, इन हीरोइनों का चाल चरित्र सब बनावटी होता है। कोई बात नहीं, सब मंजूर। हाय, आप सब भी देखोगी तो कहोगी हाय। इतना सारा पैसा, बढ़िया खाना पीना, हवाई जहाज से आना जाना, सब चीजें तो चमकती है, सोना नहीं होती। हमें तो चांदी भी मंजूर। उसके धोखे का पास ना जाओगे। भूखे मरने से तो अच्छा है तो मरो जाके। हम लोग तो जा रहे हैं। चलेंगी? बोलू। बड़ा मीठा स्वर, जरूर कुछ मतलब की बात होएगी। कहिए मैडम जी। अभी थोड़ी देर बाद आके मुझसे मेरे घर पे मिलना। ठीक है, रिचार्ज कराना। हाँ, वो बताया तो था। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। इनके घर जाने से पहले जरा हमारे यहाँ भी हो लेना, हमें भी कुछ काम है। ठीक, पहले आप क्या और फिर मैडम फरजाना क्या। आपको भी कुछ काम है तो हुक्म दे डालिए। सबसे बात करने के बाद मेरे पास आ जाना फुर्सत में। फुर्सत? फुर्सत तो मुझे तब मिलेगी जब मैं हीरोइन का बॉडीगार्ड बनके मुंबई जाऊंगा। चौकीदार हो तो वही बने रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है।
हमें चौकीदारी भलाई नहीं बॉडीगार्ड वाली मलाई चाहिए। तो खाओ जाके, चलते हम लोग। इस पे तो हीरोइन का भूत सवार है। हीरोइन का भूत कैसे सवार है? हीरोइन ना सवार हुई जाए। अब हम चले। अरे तू मेरी भी तो सुन के जा। कहिए मैडम जी। गोलू पंडित जी, तू कितना सीधा है, कितना भोला है, कितना ईमानदार है, कितना हैंडसम भी है। तू तो हीरोइन के साथ चला जाएगा ना? बहुत प्यार जता रही है, जरूर कुछ मतलब की बात होगी। अब आप भी कुछ हुक्म नहीं डालिए मैडम। वो गोलू, ये बात ना किसी और को मत बताना। नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। बताइए, तू मुझे भी अपनी हीरोइन से मिलवा दे। उसे महिला बॉडी गार्ड की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसा बॉडी गार्ड नहीं बनना है। वो मैं तो मैं सोच रही थी वो हीरोइन बनना चाहती। मैं खुद बात कर लूंगी, तू बस उससे मिलवा दे। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करके आपको बताऊंगा। अब जाओ। जा, पर ये बात किसी और को ना पता चले। ठीक है, नहीं बताएंगे। चले मैडम फरजाना के यहाँ, मैडम नारायण और मैडम त्रिलोकी पता नहीं क्या काम बता दे। चलते हैं। जाते रहो। बताओ,
क्या तुम्हारी हीरोइन मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। बस तो जो वो हीरोइन बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? मतलब आप तू मुझे उससे मिलवा दे पर ये बात किसी को पता ना चले। अरे रो रो रो, क्या हो गया? मैं कहाँ हूँ? मुंबई। हमारी तो बात ही नहीं हुई। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? अभी हमारी तुम्हें शूटिंग खत्म हो रही है, फिर साथ साथ
फिर मुलाकात? फिर साथ मुलाकात नहीं, फिर साथ साथ मुंबई चलेंगे, खंडाला जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और धत नाटी बॉय टाटा बाय 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 टाटा। जाओ मैडम मैडम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाएं जगलन मली तुम्हारे हाथ में सल्ली करना होगा। मैडम पांडे फोन मिला बता दे। हेलो, हाँ मैडम पांडे, आप इधर अभी तुरंत पार्क के कोने में आ जाइए, बहुत जरूरी बात करनी, जल्दी आइए। ठीक, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। आ रही होंगी। आंदेव तब तक आप लोग जागते रहो जागते रहो जागते रहो। आइए मैडम आइए। क्या हो गया इतनी जल्दी क्यों बुला लिए? मैडम आपने जो मुझसे काम कहा था वो मैंने कर दिया। काम? कौन सा काम? अरे वही हीरोइन से मिलने का। अच्छा, क्या बात हुई? वो पहले तो मना कर रही थी पर तैयार हो गई, लेकिन कल शाम 7 बजे 5 मिनट का समय देने को तैयार हुई है। वो तो ठीक है गोलू, पर एक बात है जो तुम्हें सारी औरतों तक पहुँचानी होगी। क्या? जल्दी बताइए। कि कल की किटी पार्टी मैं कैंसिल कर रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक ठीक बिल्कुल, सबको बता देंगे। और हाँ, किसी को खबर ना हो इस बात की। बिल्कुल खबर नहीं होगी। अब आप पतली गली से चुपचाप निकल लीजिए। ठीक है, थैंक यू गोलू। पंडित कहिए ना। आप दूसरा केस है मैडम फरजाना। हेलो, हाँ मैडम फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब खैरियत? आप इधर अभी पार्क के कोने में आ जाइए। क्या साहब आने वाले? अरे उनसे कह दीजिए 1 दर्जन देसी अंडे लेते आए, पर मार्केट ढूंढते रहेंगे तब तक इधर आपका काम हो जाएगा। ठीक ठीक आइए आइए, जल्दी जाते रहो। आ गई, बताइए मैडम। हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या बात हुई? अरे पहले तो समय देने के लिए मना कर रही थी, फिर मैंने बहुत सिफारिश की तो कहने लगी तुम इतनी तारीफ करते हो तो समय दे दूंगी, पर 5 मिनट का समय देने को बोली है। अपनी बकवास बंद करो, काम की बात बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। हाँ कल शाम 7:15 पर इसी जगह पार्क के कोने में मिलिएगा, ठीक है? अच्छा हाँ, और खूब साथ सवर कर आइएगा। अच्छा तुमने सच में बता दिया कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ? बता दिया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये बात तुम तीनों चुड़ैलों को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो तो जल घुल के राख हो जाएंगी। हाँ हाँ नहीं पता चलेगी। और एक बात और बतानी तो रही गई। अब क्या हो गया? मैडम पांडे ने कहा था कि कल की किटी पार्टी कैंसिल है, उन्हें किसी काम से बाहर जाना है। या खुदा तू भी कितना मेहरबान है, अब मैं कल बैंक के लॉकर से जाके गहने निकाल के लाऊंगी और खूब सजूंगी सहरूंगी। ठीक, अब आप पतली गली से निकल लीजिए जाइए, और कल तरफ़े पर आइएगा। हाँ हाँ आ जाऊंगी। जाओ जागते रहो। अब तीसरा केस है मैडम नारायण। हेलो मैडम नारायण बोल रही, तुरंत अभी पार्क के कोने में आ जाइए, बहुत जरूरी बात करनी है जी, जल्दी आइएगा। ठीक ठीक आ रही होंगी। नारायण नारायण करत हुए जय हो। आइए आइए मैडम, नमस्ते। नमस्ते, अरे तो तुम मेरे घर आ जाते। अरे घर कैसे आ जाते, कोई देखता तो क्या कहता कि तुम्हारी ड्यूटी कॉलोनी में है कि मैडम पांडे घर पर। कहेगा कौन, टीटी बाबू तो घर में रहते नहीं है, अब तो उनकी रात में ट्रेन में ड्यूटी हो गई है, खतरे की कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी भी होती रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ हीरोइन मैडम से क्या बात हुई? मैडम ने बताया कि शूटिंग से आती हूँ तो थक जाती हूँ, तो मिलने से मना कर रही थी, पर मेरी सिफारिश करने पर मान गई हैं। कल शाम 7:45 पर 5 मिनट के लिए आ जाइएगा इसी जगह पार्क के कोने में। अच्छा उन्होंने मेरी तारीफ में क्या क्या कहा? अरे बहुत तारीफ करी, मैंने कहा आप निहायत ही खूबसूरत रहमदेह औरों के जैसी थोड़ी ना है, बहुत अच्छी हैं, तो इतनी तारीफ कर रहे हो तो ठीक है मिल लेंगे 5 मिनट के लिए, तो
समय से तैयार होकर आइएगा। मान गई थी? मानती कैसे नहीं, हम थे घोलू पंडे, हमारी सिफारिश से मान गई। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताओ और कुछ उन्होंने कहा? और कुछ नहीं, हाँ मैडम पांडे का एक संदेशा था, कल की किटी पार्टी कैंसिल है, उन्हें किसी काम से बाहर जाना है। चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे सजने संवरने का मौका मिल जाएगा, ब्यूटी पार्लर होवाऊंगी। हाँ अब आप पतली गली से निकल लीजिए, कल शाम 7:45 पे आइएगा। चलिए जाइए। चौथा केस है मैडम त्रिलोकी का, ये बढ़ाओ जरा कदम धर के रखना पड़ेगा, कहीं तवा गरम हो गया तो। तेरे लोग की हेलो, हम मैडम त्रिलोकी बोल रही। अरे नहीं नहीं मैम साहब, अरे नहीं, हम खोलू पंडित। हाँ आप अभी इधर पार्क के कोने में आ जाइए, बिल्कुल आपका काम हो गया, थोड़ा जल्दी आइएगा। ठीक आइए मैम साहब। जागते रहो, जाग। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, अब बताओ क्या काम है? वो आपने मुझसे जो काम करने कहा था मैंने आपका सारा काम कर दिया। अच्छा तभी मैं कहूँ किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे पार्क के कोने में बुला रहा है। मैडम मुझे आपसे डर लग रहा है। किस बात का? पता नहीं कब आपका तवा गरम हो जाए। देख ऐसी बातों से थोड़ी ना मेरा दिमाग खराब होता है, मैं कोई पागल हूँ? फिर भी मुझे इत्मीनान कर लेने दीजिए। काहे का इत्मीनान? यही कि आपको पिस्तौल विस्तौल तो नहीं लाई है? अच्छा यही बाकी रह गया है। अरे मैडम आपसे हीरोइन का काम करने कहा था, मैंने उनसे बात कर ली है। सब बता दिया आपने, जो बताया वो भी, जो नहीं बताया वो भी। जो नहीं बताई वो कैसे बता दिया? अरे मतलब मैंने आपकी खूब तारीफ करी कि आप बहुत सुंदर हैं, एकदम डार्क लाली लगाती हैं और एकदम मतलब पूछो ना हीरोइन बन ही जाएंगी आप। अच्छा और थोड़ा हीरोइन मैंने मान ली ना? मानती कैसे नहीं, हमारी बात थी, मानना पड़ेगा उनको। तुम्हारी बात थी, इसी बात का डर है, मान गई ना? हाँ तो कल शाम को 8:00 पाँच मिनट का समय देने के लिए लेकिन तैयार हुई है। 5 मिनट में क्या बात करूँगी? तो फिर प्रोग्राम कैंसिल। नहीं नहीं गोलू ऐसे नहीं, मैं तो 5 मिनट में पूरी ही बात कर लूँगी सब। हाँ कल शाम 8:00 5 मिनट में, और हाँ खूब सत के सवर के आइएगा। हाँ। ठीक है, वो क्या कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। हाँ हाँ भाई जो समझ में आए। ठीक अब आप जाइए। और हाँ एक बात और वो बताना रह गया, मैडम पांडे ने कहा था कि कल की किटी पार्टी कैंसिल है। सच? हाँ। इससे अच्छी खबर क्या होगी, उन कलमियों का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा और तैयार होने का वक्त भी मिल जाएगा। हाँ अब आप पतली गली से निकल लीजिए चुपचाप, जाइए मैम साहब। जय बजरंगबली, हमारा तो काम शुरू, अब तो आ गया है देखो पार्टी गार्ड। जाओ आओ जी पाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी। मैडम तुम्हारी तैयारी तो पूरी है? मैडम बिल्कुल पूरी, 7 बजने वाला है, मैडम पांडे आ ही रही होंगी। लगता है दूर से कोई आ रहा है। हाँ कोई आ रहा है, मैं अंधेरे में छुप जाती हूँ, अगर मैडम पांडे हुई तो मुझे बुला लेना। ठीक है मैं सीटी बजाऊंगा और आप चुपचाप चली आइएगा। ठीक है ठीक है। आ रही पांडे, धीमे धीमे सारे केस निपटे। मैं समय से तो आ गई हूँ ना। और मैडम कहाँ हैं? मैडम पांडे आप ये क्या कर रहे हो? हीरोइन बुला रहे हैं, आ गई हीरोइन। ये जेवर सारी असली हैं? हाँ ये सारे जेवर असली हैं, ये सारे जेवर मेरी शादी के हैं। कभी एक्टिंग की है? फिल्म और स्टेज पर तो कभी नहीं, पर घर में रोज करती हूँ। अच्छा घर में क्या और कैसे करती है? अब आपसे क्या छुपाना, मिस्टर पांडे जब शाम को वापस आते हैं तो कभी पेट दर्द की, कभी हाथ दर्द की, कभी पैर दर्द की, एक्टिंग करके शाम का खाना मैं उन्हीं से बनवाती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप इन्हें डला कीजिए, इनके बिल्कुल पास जाकर आई लव यू माई डार्लिंग बोल दीजिए। हाँ बोलती हूँ बोलती हूँ, आई लव यू डार्लिंग। तुम सीधे खड़े रहो, ये क्या कर रहे हो? मुझे शर्म आ रही। एकदम सीधे खड़े रहो, आंखें बंद करके। मैडम अब आप बोलिए,
मैं उसके बहुत ज्यादा पास जाके नहीं बोल पाऊंगी, उसके डंडे से बहुत बदबू आती है, मुझे उल्टी हो जाएगी। अरे उसके डंडे से नहीं बोलना है, उसका हाथ पकड़ के बोलना है। जाइए बोलिए। खैर छोड़िए, आप कैटवॉक करके दिखाइए। कैटवॉक? वो तो कभी नहीं किया। अरे ऐसे अरे ऐसे नहीं, इन्हें काफी ट्रेनिंग की जरूरत है, बोलने की, बात करने की। अब गोलू पंडित ने आपकी इतनी सिफारिश की है तो मैं एक चांस आपको देती हूँ। थैंक यू मैडम। कल आप मुंबई जाने के तैयार रहिएगा, बाकी बातें मैं इनको समझा दूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू गोलू पंडित। कहिए ना मैडम, आप छिप जाइए, दूसरा केस भी आने वाला होएगा, जल्दी छिपिए। अरे कहाँ आ रहे हो, उधर जाओ। आपके साथ छिपने, तुम जाके उधर अपनी ड्यूटी करो। अच्छा ठीक है। अरे इधर क्यों चक्कर लगा रहे हो, उधर जाओ। नहीं मैडम, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, एक तो आप अंधेरे में छुपी हैं, ऊपर से अकेले। अरे इधर नहीं उधर, आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। जागते रहो, जागते रहो। हीरोइन मैडम कहाँ है? तुमसे मतलब, अपना रास्ता पकड़ो। अरे नारायण मैडम आप ये क्या कर रहे हो? हीरोइन बुला रहे। हाउ आर यू? ठीक हूँ। आपने कभी एक्टिंग की है? हाँ, क्या स्कूल में की थी। क्या किया? स्कूल में किया था एक बार। क्या डायलॉग था? स्क्रिप्ट में लिखा था। क्या लिखा? बोधा सिंह पानी मांगता है, वही बोल दिया, टीचर हंस पड़ी। अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। ये बताइए, ये जेवर आपके असली हैं? बिल्कुल, 24 कैरेट सोना, 100% चांदी और हीरे, सब अव्वल क्वालिटी के हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, आप रात में अकेली जा रही हैं, अगर ये बदमाश आपको रास्ते में मिल गया। मैडम मैं आपको बदमाश नजर आता हूँ। अरे अरे एक्टिंग के लिए? ना ना, सीधा फांसी हो जाएगी। अरे मैडम जेवर लूटने की बात कर रही हैं। हाँ और क्या? अच्छा फिर ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इनको चाकू की नोक पर लूटना होगा, ये भागती हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाती हैं। अच्छा पर ऐसा नहीं हो सकता, इनके जोर जोर से चिल्लाने से ये कॉलोनी वाले जाग जाएंगे, हमारा भांडा फूट जाएगा, सब जान जाएंगे। वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैम। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अगर ये जोर जोर से चिल्लाने लगे तो इसका मुंह बंद कर देना। नहीं ये भी नहीं हो सकता, इनकी लिपस्टिक का निशान मेरे हाथ पे पड़ गया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे। अच्छा, बारे में तो ठीक है, आपको मैं एक रोमांटिक सीन देती हूँ, आप ये बताइए आप रोमांटिक सीन कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। आप इन्हें अपना प्रेमी समझ के इनके कमर पे हाथ डाल के डांस कर सकती हैं? कर सकती हूँ। ठीक है करके दिखाइए। ओ बावरिया, ओ बावरिया, ओ सावरिया, ओ बावरिया, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया। अब आप जल्दी से घर जाइए, जैसा भी होगा मैं इन्हें बता दूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गोलू पंडित। कहिए ना मैडम, मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। मैं इतना थक गई हूँ फिर भी मैंने तुम्हारे लिए सब किया है। बस दो केस और बचे हैं, उन्हें भी निपटा ही दीजिए, लगता है कोई आ रहा है। आप छिप जाइए, मैं आवाज दूंगा। अरे जाओ मैडम साथ। तुम यार बीच में हो लगो, तुम्हारी हीरोइन मैडम कहाँ है? ये क्या कर रहे हो? हीरोइन बुला रहे थे। हीरोइन? मैं तो डरी गई थी। आइए मैम साहब, तो फरजाना मैम हैं। सलाम वालेकुम मैम। अरे आप तो बिल्कुल पाकीज़ा की मीना कुमारी लग रही हैं। वो तो चांस की बात है, अब आप ही मुझे हीरोइन बना सकती हैं। बनवा तो सकती हूँ पर वरना करिए, इनको भी अपने साथ मुंबई लिए चलिए। हाँ हाँ आप मेरे साथ मुंबई चलिए, तो तैयार है कल? हाँ तैयार हूँ, पर इतनी जल्दी क्यों? अपने सुबिर से बात करनी है क्या? उनसे ये क्या पूछेंगे, वो हर काम खुद इनसे पूछ पूछ कर करते हैं। समझा लूंगी तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाई देती हूँ साफ साफ, आप पे वो बोल्डनेस नहीं है,
और बातचीत में वो नज़ाकत भी नहीं है। ये सब सीखने में आपको 6 महीने लगेंगे और काफ़ी खर्चा भी होगा। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं सीख लूँगी। तो ठीक है, कल आप तैयार रहिएगा, बाकी बातें ये आपको सब बता देंगे कैसे क्या करना है। ठीक, आप जाइए, मैं आपको बाकी बातें कल समझा दूँगा। ठीक है, वाह पंडित कहिए ना, बस एक केस और बचा निपटा दीजिए, मेरे पाप कटे। ये सब मैं तुम्हारे कहने पे कर रही हूँ, अब एक शर्त है, तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनके मुंबई चलना पड़ेगा। अरे मैडम, मैं तो 2 दिन से सपने में बॉडीगार्ड बनके घूम रहा हूँ। बस मैडम, त्रिलोकी निपटाइए, अब छुपने की क्या जरूरत है, तो कौन आएगा? त्रिलोकी मैडम ही आएंगी। ठीक है, लगता है कोई आ रहा है। अरे नहीं, औरत है मगर नहीं। हाय गोलू। हेलो मैडम। मैडम, मैंने आपसे बताया था ना इनके बारे में, वही अपने साथ इन्हें भी मुंबई लिए चलिए। आई फाइंड सो क्यूट यू आर। मैंने आपसे कहा था ना, इनकी खूब तारीफ करी थी, तो बस लिए चलिए मुंबई। देखती हूँ, चलिए मैं देख तो लूँ। अच्छा आप ये बताइए, फिर नृसी जो है वो साफ सुथरी नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई नो, वहाँ का पता नहीं क्या काव पाउच पता नहीं क्या क्या होता है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए, वो गाना कौन सा था? नथुनिया पे बलमा हमार नथुनिया पे गोली मारे। हमारे खासियत नहीं है, हमारे बलमा नथुनिया छोड़ बाकी हर जगह गोली चला देते हैं। अरे इनसे डायलॉग बुलवाइए, डायलॉग बहुत अच्छा बोलती है मैडम। तो तुम्हारे बगैर अकेले रहना सीख लिया, अब तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ करना टामी डार्लिंग। पीए भी कैसा रखा, जा रहा हूँ, मेरा फीमेल बनता नहीं पता इसको। अरे मतलब जा रही हूँ। ये टॉमी कौन है? टॉमी मैडम पांडे का पला है। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया। थोड़ा दर्द से बोलिए, दर्द पैदा करिए। दर्द कैसे पैदा होता है? वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप फिर से बोलिए। बोल रही हूँ ना, टाइम तो दो। मैंने तुम्हारे बगैर अकेले जीना सीख लिया टॉमी डार्लिंग। ठीक है ठीक है, आपके जो भाव हैं उनमें दर्द नहीं आ रहा है। हाँ, मैं इसके अंदर हीरोइन नहीं नहीं नहीं, अब आपकी इतनी सिफारिश की है गोलू पंडित ने, तो एक तो चांस देना पड़ेगा। जी मैडम। और मैं तो कल वापस भी जा रही हूँ, आपको तो कोर्स करने पड़ेंगे और जिम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं हर तरह के कोर्स कर लूँगी, ये जिम सब ज्वाइन कर लूँगी। बनवा दीजिए ना, उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा, तब जाके पैसा और नाम कमा पाएंगी। मैं पैसे खर्च कर दूँगी। तो ठीक है, कल आप मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाइए, बाकी बातें आपको ये सब समझा देंगे। ठीक, अब आप जाइए। ठीक है मैम, मैं आई गो नाउ। यस, थैंक यू मैम, गुड नाइट। हटो, हीरोइन बने नहीं तेवर भाई से आए गए। आपके हाथ चूमने का मन करता है माय नाटी बॉय। मैडम बस अब हमें भी मुंबई लिए चलिए। अब तो मेरी किस्मत खुली। मेरी किस्मत तो कल खुलेगी, देखो अब तुम्हारी एक ड्यूटी है, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा तुम्हें करना है। बिल्कुल, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपनी सारी मैडमों के पास जाके वेरी सीक्रेटली बात करनी होगी। वेरी सीक्रेटली, पर बात तो बताइए करना क्या है? तुम्हें अपनी मैडमों के पास जा करके अलग अलग बोलना है, 5-5 लाख रुपए 12 बजे से पहले दे के जाना है मुझे मेरे घर पे, वो भी। पर अगर 5 लाख नगद ना हो तो? तो 3-3 लाख रुपए नगद और जेवरों के साथ। और क्या करना होगा? और उनसे बोलना है कि 4 बजे वो एयरपोर्ट पे मिले, मैं उनका 6 बजे इंतजार करूंगी क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट है। पर मेरे पास तो नगद और जेवर कुछ भी नहीं है। अरे तुम भी हवाई जहाज से चलोगे, अपनी मैडमों के साथ पहुँच जाना। ठीक है, लेकिन पैसा तो है नहीं, टिकट कहाँ से होगा? तुम मेरे साथ चलोगे एग्जीक्यूटिव क्लास में। ये कौन सा क्लास होता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सुना है पर? अरे ये हवाई जहाज का क्लास होता है, तुम मेरे बगल में बैठ के चलोगे। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। मेरे बगल में बैठ के चलोगे ऐसे जूम। जय बजरंगबली। मैडम फॉलो मी। ओके अभी आ रही होंगी,
तब तक चलो हम लोग प्लेटफार्म पर बैठे चल के। नहीं, यहाँ हवाई जहाज नहीं खड़े होते, अंदर खड़े होते हैं। स्टेशन अंदर है तो चलो अंदर। कैसे जाएंगे, तुम्हारी हीरोइनी मैडम नहीं आई अभी तक, टिकट तो उन्हीं के पास है, हम अंदर नहीं जा सकते। ले हीरोइन बनी नहीं और तेवर अभी से आएगा पहले। अरे बाप रे, लगता है मैडम त्रिलोकी आ रही। मैडम आप यहाँ आइए, इधर बैठिए आके यहाँ यहाँ पर। और हाँ, हम गमछा बिछा दे रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ठीक, तब तक किताब पढ़िए, हम अभी आते हैं। ठीक है, आ रही त्रिलोकी। हमें लेट तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, आ रही होंगी। आप तब तक इधर आइए, इधर बैठिए चल के। वहाँ तो बेकार है, इधर आइए, इधर इधर यहाँ बैठिए यहाँ। फटकने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। अरे और जाना मेहमान का, अरे लाज हुआ। आइए आइए। मैं लेट तो नहीं हुई ना? बिल्कुल लेट नहीं हुई। तुम्हारी मैडम कहाँ है? अरे कहीं जाम आम में फंसी होंगी। आप तब तक यहाँ आके यहाँ बैठिए यहाँ। और हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर की बात है तो बैठ लेती हूँ। मूंगफली खाएंगी? अरे नहीं नहीं, मैं मूंगफली नहीं खाती, मुझे खांसी आने लगती है। तो मुँह बंद करके यहाँ बैठिए। आप पति नारायण मैडम। अरे बहू आ रही, खुशी देखो। मैडम कहाँ है? अरे आ रही है भाई, बैठो। आप तक आप इधर आओ और यहाँ बैठो। और हाँ, यहाँ से ना हिलिएगा ना डुलिएगा, सामान कहीं चोरी हो गया तो बैठो चुपचाप। अब तो हीरोइन मिलेगी और मजा आएगा। अरे आ रही होंगी, जहाँ आप वहाँ हम। वो बात तो ठीक है, लेकिन काफी समय हो गया ना। अरे थोड़ा कहीं जाम आम में फंस गई होंगी। आ रही होंगी, आप टेंशन ना लीजिए। अरे आ रही होंगी क्या, मेरे जेवर लेकर चली गई है? मेरा दिल लेकर चली गई है। गोलू 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 मैडम कहाँ है? अरे आ रही होंगी, जेवर पूछ रही, तेरे सारे जेवर लेकर चंपत हो गई क्या? मेरे शादी के जेवर थे। स्वागत है वो कह दिया। आप जगह मुंबई या लैंग्वेज बोल रहे थे, सो बड़ा अच्छा लग रहा। एक बात मैं आपको बता दूं, इस टीम ने इतना बंधा हुआ है, इतना सधा हुआ अभिनय किया है कि उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि हम बैठे, हमने बिल्कुल भी यहां से वहां पलक नहीं झपकी, हम नाटक को बहुत शालीनता से देखते रहे। मैं निर्देशक महोदय का सम्मान करूंगा सर, पहले एक मिनट रुक जाइएगा। हमारे निर्देशक महोदय, आप प्लीज, आपका परिचय, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महर्षि कपूर जी जो कि लखनऊ से आए हैं, प्लीज इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। और इनका सम्मान सैलजा मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्लीज, हमारे आनंद सर से भी मैं अनुरोध करूंगा, सर आइए स्टेज पर। महर्षि डायरेक्टर, इस नाटक के डायरेक्टर गोलू पंडित के डायरेक्टर महर्षि कपूर जी का अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कलाकारों का भी अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार आप लोग अपना परिचय दीजिए, कुछ मैं आगे बोलूं। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। आपका कैरेक्टर क्या था? मैं नारायणी का रोल कर रही थी और मेरा मोनिका अग्रवाल नाम है, मैं लखनऊ से, मोनिका अग्रवाल।
जी मैं हीरोइन का पीए बनने पीए का एक्टर कर रहा था, मैं लखनऊ से। मैं हीरोइन का रोल कर रही थी कटरीना का, मैं लखनऊ से हूँ, कंचन शर्मा। मेरा नाम ऋषभ पांडे, मैं आपका प्यारा घोलू। मैं मेरा नाम अनामिका सिंह है और मैं त्रिलोकी का किरदार निभा रही थी। मेरा नाम अर्पिता सिंह है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में और मैं मिसेस पांडे का रोल कर रही थी और मैं लखनऊ से हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रिया राय है, मैं मैडम फरजाना का रोल कर रही थी, मैं लखनऊ से हूँ। थैंक यू। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है, मैं भी लखनऊ से हूँ। मैं टीटी बाबू का कैरेक्टर कर रहा था जो शराबी का था। धन्यवाद सभी लोगों का। मेरा नाम मनोज पांडे और मैं मिस्टर पांडे का रोल प्ले कर रहा था और साथ ही म्यूजिक भी प्ले कर रहा था। हमारे जितने कलाकार जिस मंच पर आए और हमारे बीच मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित इस नाटक के लेखक राम किशोर नाथ जी उपस्थित हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी कलाकर्मी दादाजी धनुराज जी सर से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो लेखक हैं इस नाटक के उनका आप सम्मान करिए। इसी पर जोरदार तालियां, वो बहुत ही ठंड में इतनी दूर से नाटक देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी झांसी वासी का झांसी सुधीजनों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी जनसंख्या से आप आए, इस ठंड में आपने नाटक देखा, हमारे नाट्य समारोह को आप सफल बनाइए और आगे भी हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि बढ़िया नाटक हम आपके लिए करेंगे ताकि हमारे झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ध्यानचंद के बाद नाट्य समारोह का एक अलग ही जलसा हो। धन्यवाद हमारे सर आदरणीय सर को भी माइक। धन्यवाद, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि काफ़ी समय के पश्चात आनंद जी के प्रयास से और ये संगीत नाटक अकेडमी जो हमारी संस्था है मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ और हम लोगों का टेन्योर भी लगभग अब देश में समाप्त होने वाला है। तो ये कलाकार सब लखनऊ से हैं मोस्टली और ये नाटक चूँकि यहाँ हुआ है झांसी की महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नगर में, हम लोग इनका स्वागत करते हैं। अभी वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाया गया, झलकारी बाई का जन्मदिन मनाया गया, इन दो आयोजन पर आपका होता कार्यक्रम तो और अच्छा लगता, लेकिन वास्तव में बड़ा सराहनीय प्रयास है और एक संदेश है जो वास्तव में भी मैडम से मैं बात कर रहा था कि आजकल के समय में वर्तमान में निश्चित रूप से जो हमारी युवा महिलाएं हैं युवतियां हैं उनका एक प्रकार से फोबिया टाइप का हुआ है कि सीधे सच्चे लोगों के और ऐसे वो लोग हमारे पंडित जी हैं। एक तो देखिए ये लोग जो चपरासी का काम करते घर में ये बहुत एक प्रकार से चतुर हो जाते हैं जब देखते वातावरण कि कैसा क्या बड़े लोगों का वातावरण है उसका पूरा लाभ उठाते हैं। वास्तव में उन दोनों पंडित ने जो वास्तव में इतना बड़ा सीधा सच्चा बनवा था एक चौकीदार के नाते इतनी सभ्य महिलाओं को सुशिक्षित महिलाओं को बहुत एक प्रकार से समझदार महिलाओं को उन्होंने बेवकूफ बना दिया। तो ये संदेश है। दूसरा इस समय वास्तव में वर्तमान में जो मुंबई में हो रहा है इस थीम में वास्तव में उसका एक सारांश है, इसके लिए भी हम बधाई देते हैं कि वास्तव में आपने जो है अपने इस उद्देश्य को पूरा किया है और इसके लिए मैं सब अपने दर्शकों की ओर से झांसी नगर की ओर से अपनी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और झांसी में आप आते रहें अच्छा थीम लेकर आए। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है सभी ने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के आप सभी पात्र। धन्यवाद, जय हिंद।
थैंक यू लेक्स। और एक और सूचना है, क्योंकि आज विक्रम गोखले जी मराठी चित्रपट के सिने अभिनेता और मराठी थिएटर के बहुत बड़े दिग्गज एक्टर हमारे थिएटर के डिपार्टमेंट के आज इस श्रद्धांजलि के साथ ये सभा भी हम समाप्त करते हैं। कल पुनः आइए शाम 7 बजे, दूसरा नाटक रहेगा कहर भिखारी गोरखपुर की टीम के साथ। धन्यवाद।